खूबसूरत से पेड़ पर एक टिनी नामक चिड़िया अपने पति टोटो चिड़िया के साथ रहती थी। टिनी चिड़िया के दो नन्हे बच्चे थे, एक का नाम था अमर और दूसरे का नाम था समर। टोटो चिड़िया बहुत ही आलसी और कामचोर किस्म का चिड़िया था। वो इतना आलसी था कि वो बाहर दाना चरने जाता था और अकेले ही खा पी कर वापस आ जाता था, पर अपने बच्चों के लिए खाने का दाना नहीं लाता था। एक दिन सवेरे, टोटो चलिए ना, हम अपने बच्चों के लिए कुछ दाना पानी भोजन की व्यवस्था करते हैं। नहीं टीनी, इस बार तुम ही चले जाओ, आज मैं यही बच्चों के पास ही बैठूंगा। टीनी चिड़िया उड़ते हुए चली जाती है और थोड़ी देर बाद अपनी चोंच में दाना छुपाकर अपने घोंसले में आती है और अपनी चोंच से अपने बच्चों की चोंच में दाना डालती है। बच्चे माँ के हाथ से खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। टोटो, तुम अपनी ये आदत कब बदलोगे? मान लो अगर किसी दिन में नहीं रही तो तुम बच्चों को भोजन कैसे कराओगे? तुम्हें भी अभी बाहर जाकर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तुम तो अकेले ही बाहर जाकर खा पी कर आ जाते हो, या मुझे अकेले ही अपने बच्चों को भोजन खिलाना पड़ता है? वैसे भी तुम कहाँ जाने वाली हो, यही तो रहोगी हमारे साथ, और वैसे भी तुमसे बेहतर बच्चों को कौन खाना खिला सकता है? बस बस, हमेशा तो आप यही बात करते हो। जिस दिन मैं आपसे दूर जाऊंगी ना, तब देखूंगी आप अपने बच्चों को कैसे ख्याल रखते हो। टीनी, जब तक तुम हो तो मुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अकेले ही सब कुछ बड़े आसानी से कर लेती हो। जब मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टीनी चिड़िया भोजन की तलाश में अपने घोंसले से उड़कर जंगल की ओर जाती है। तभी रास्ते में बाज की नज़र टीनी चिड़िया पर पड़ती है और वो बाज टीनी चिड़िया का तेजी से पीछा करता है। अरे अरे, ये बाज कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया? अगर मैं इसके हाथ आ गई तो ये तो मुझे जान से ही मार देगा। टीनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए भागने लगती है। तभी वो राक्षस बाज टीनी चिड़िया को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह से शाम हो जाती है। टोटो चिड़िया, अमर और समर बड़े बेसब्री से टीनी चिड़िया के आने की राह देख रहे थे। टीनी चिड़िया तो इस जहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। पिताजी, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? सुबह से शाम हो गई है और अब तक माँ का कोई आता पता नहीं है। हाँ पुत्र, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है कि अब तक तुम्हारी माँ आई क्यों नहीं। आज तक तो इतनी देर तक बाहर कभी नहीं रही, पता नहीं आज कहाँ चली गई। अभी तक आए ही नहीं। बच्चों, तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी तुम्हारी माँ की तलाश करने जाता हूँ। टोटो चिड़िया उड़ते हुए जाता है और चारों तरफ टीनी चिड़िया को तलाश करने लगता है। काफी समय इधर उधर घूमने के बावजूद उसे टीनी चिड़िया का कोई पता नहीं चलता। तभी एक पेड़ पर कई सारे पक्षी बातें कर रहे थे। टोटो चिड़िया उड़ता हुआ उनके पास जाता है और टीनी चिड़िया के बारे में पूछताछ करता है। अरे भाई चिड़िया, वो क्या है ना, अभी अभी एक बाज एक चिड़िया को अपने साथ उठा कर ले गया और उसने उस चिड़िया को वही जान से मार दिया। हम सब पक्षी यहाँ बैठकर यही बातें कर रहे थे कि आखिर वो चिड़िया कौन है, कहीं वो तुम्हारी पत्नी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा ना कहिए, वो मेरी टीनी नहीं हो सकती, वो कोई और चिड़िया होगी। हाँ चिड़े भाई, हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी पत्नी टीनी नहीं हो, पर वो सामने बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वहीं पर बाज ने उस चिड़िया को मारकर फेंक दिया था। टोटो चिड़िया तेजी से उड़ते हुए उस पेड़ के पास जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद टोटो चिड़िया देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो चिड़िया टीनी चिड़िया थी। टोटो चिड़िया काफी देर तक वहाँ बैठकर रोने लगता है। यूं ही रात हो जाती है और वो रोते रोते उड़कर अपने घोंसले में आ जाता है और अपने साथ थोड़ा दाना लाता है। टोटो चिड़िया घोंसले में आकर अपने बच्चों की चोंच में वो दाना डाल देता है। पिताजी, आज पहली बार आपके हाथों से भोजन खा के बहुत प्रसन्नता हो रही है, पर हमारी माँ कहाँ है? पुत्र, तुम्हारी माँ अब कभी वापस नहीं आ सकती, वो भगवान के पास चली गई है और अब वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। मुझे भी अपनी माँ के पास जाना है। पिताजी, आप मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए ना। पुत्र, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, एक बार वहाँ जो जाता है वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं।
एक दिन टोटो चिड़ा अपने साथ एक चिड़िया को लेकर आता है। उस चिड़िया के 2 अंडे भी थे। पिताजी ये कौन है? आप ये किसको साथ में ले आए? पुत्र ये तुम्हारी नई माँ है। आज से तुम इसे अपनी ही माँ कहना। अब यही तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी। समर और अमर चिड़ा ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपनी नई माँ के साथ बहुत खुश रहने लगे। एक दिन समर अंडों के साथ खेल रहा था, तभी वो चिड़िया समर और अमर को एक जोरदार धक्का दे देती है। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। उनके पंख इतने छोटे थे कि उनसे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था। आज से तुम दोनों बच्चे मेरे साथ नहीं रहोगे। अगर मेरे अंडों को कुछ नुकसान हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? चलो जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे छोटे छोटे पंखों से उड़ते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं। टोटो चिड़े को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे जंगल में अकेले ही चले गए। तभी अचानक उन बच्चों के सामने वो राक्षस बाज आ जाता है। ये नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ चले? चलो आज इन्हें ही अपना शिकार बनाता हूँ। अमर देखो वो राक्षस बाज है, भागो यहाँ से वरना वो हमें मार देगा। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं और वो राक्षस बाज भी उनका पीछा करता हुआ आता है। तभी एक चिड़िया की नजर उन बच्चों पर पड़ती है और वो उड़ती हुई आकर उन बच्चों को अपने घोंसले में लेकर चली जाती है। अरे बच्चों तुम कहाँ जा रहे थे? इतने छोटे होने के बावजूद भी तुम अपने घर से बाहर कैसे निकले? तुम्हारी माँ कहाँ है? अमर चिड़ा और समर चिड़ा उस चिड़िया को सारी बात विस्तार से बताते हैं। बच्चों तुम मासूम नन्हे बच्चों की बात सुनकर तो मेरी आंखें भर आई। कैसी जालिम चिड़िया है वो, सौतेली माँ होकर बच्चों के साथ इतना अन्याय किया उसने। देखना उसे कभी भी संतान का सुख नसीब नहीं होगा, वो हमेशा संतान के लिए तड़पेगी। पर आप कौन है? हमने आपको नहीं पहचाना। बच्चों मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। बच्चों तुम अभी काफी छोटे हो ना, इसलिए शायद उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, पर तुम चिंता ना करो, अब तुम्हारी मौसी आ गई है ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब मैं तुम्हारी परवरिश करूंगी। पर माँ ने तो आपके बारे में कभी नहीं बताया। नहीं पुत्र, मेरे कोई बच्चे नहीं है। शायद इसी दिन के लिए आज तक मुझे कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर जो आनी थी। आखिर क्यों इतनी सी उम्र में इन्होंने अपनी माँ को खो दिया? इन बच्चों ने तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं सीखा था और इनके सर से इनकी माँ का साया हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अगर आज मैं सही समय पर न आती तो ना जाने इन बच्चों के साथ आज क्या हो जाता। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान कि तूने सही समय पर मुझे इन नन्हे नन्हे बच्चों से मिलवा दिया। अब मैं कभी भी इन नन्हे नन्हे बच्चों को अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। इनकी माँ बनकर इन बच्चों की परवरिश करूंगी, इनका ख्याल रखूंगी, इनकी हमेशा रक्षा करूंगी। वो चिड़िया समर चिड़ा और अमर चिड़ा को अपने साथ ही रखने लगी। चिड़िया उनकी सगी मौसी नहीं थी, उस चिड़िया ने बच्चों से झूठ कहा था कि वो उनकी मौसी है। दरअसल वो चिड़िया उनकी सौतेली मौसी थी। तीनों मिलकर एक सुखी जीवन बिताने लगे। दोनों नन्हे बच्चों को एक मौसी के रूप में माँ मिल गई और तीनों संग मिलकर एक खुशहाल जीवन बसर करने लगे।